أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون शहर रमदान, रमज़ान का महीना जो नेकियों का मौसम बहार है। शाबान का चांद जैसे ही तुलू होता है रमज़ान की खुशबू आने लगती है और दिल में खुशी के जज्बात भी पैदा होने लगते हैं कि अब हम बहुत खूबसूरत महीने के करीब जाने वाले हैं। हम सब इस महीने का इंतज़ार भी कर रहे हैं और साथ साथ इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हम में से किसी को भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आया वो रमज़ान का महीना पाएगा या नहीं पाएगा। जिसको भी रमज़ान मुबारक नसीब हो उसे चाहिए कि मोहब्बत के साथ रमज़ान को खुशामदीद कहे और अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करे कि एक बार फिर अल्लाह ने उसे रमज़ान की सआदत नसीब की है। हमने कैसे इस महीने में खुद को नेकियों में आगे बढ़ाना है, कैसे इस महीने की फजीलतों और बरकतों को हासिल करना है, इसी बात को जानने के लिए अभी हम यहाँ जमा हैं। माह रमज़ान हम सब जानते हैं कि अल्लाह का महीना है, बड़ा ख़ास महीना है, ख़ास रहमतों और बरकतों का महीना है। ये सबर का महीना है, रोज़ों का महीना है, फराख़ रिस्क का महीना है, जहन्नुम से आज़ादी हासिल करने और जन्नत में दाखिल होने का महीना है, अल्लाह से बेहतरीन ताल्लुक़ बनाने का महीना है, तक्वा हासिल करने का, ख़ुद को मुनज़्ज़म करने का महीना है।
इस महीने में दुनिया भर के मुसलमान रोज़े रखते हैं, क़याम करते हैं, तिलावतें सुनते हैं, तिलावतें करते हैं, ज़िक्र असकार करते हैं, तस्बीह और तहलील करते हैं, सदक़ात और खैरात करते हैं, फ़राइज़ और नवाफिल की पाबंदी करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये हर किस्म की इबादतों के लिए एक मौसम बहार है, जिसमें अल्लाह ताला नेकियों का भरपूर अजर अता फरमाएगा। जब ये रमज़ान का महीना शुरू होगा तो इस रमज़ान के महीने की इब्तिदा चांद देखने की दुआ से करना है। तिर्मिज़ी की रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखने की दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल्युम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। या अल्लाह, हम पर ये चांद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ए चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इस दुआ के साथ इंशाल्लाह रमज़ान और मुबारक का महीना शुरू करना है। वैसे तो हर इस्लामी महीने के शुरू होने पर चांद देखने की ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। हम सब इस महीने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जब हम इस बात का लोगों से तذکرہ करते हैं कि रमज़ान मुबारक की क्या तैयारी होनी चाहिए, तो बहुत से लोगों ने ज़्यादातर ये जवाब दिया कि घर में राशन भरकर होना चाहिए, ये पका लेना चाहिए, वो पका लेना चाहिए, या फिर कपड़ों की तैयारी हो जानी चाहिए, इसके अलावा घर की सफाई हो जानी चाहिए। इस तरह के दीगर जवाब हमें मिलते हैं। आप और मैं इस तरह की तैयारियों को कर तो सकते हैं ताकि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में हमें दुनियावी कामों से कुछ फरागत दे दे, लेकिन आप देखें कि ऐसा ना हो कि जो आज का दिन है हमारा, उसकी नमाज़ें लेट हो जाएं उस तैयारी के लिए जो रमज़ान में हम चाह रहे हैं। मसलन बाज़ारों में इतनी ताखीर तक घूमना फिरना कि रमज़ान में हमें बाज़ार में ना निकलना पड़े, तो शाबान के महीने में नमाज़ें लेट हो रही हैं। और यकीन कीजिए कि रमज़ान की तैयारी ये तैयारी नहीं है कि पहनेंगे क्या, खाएंगे क्या, घर में नए कुशंस आए हैं या नहीं आए हैं, या सफाई हुई है या नहीं हुई है। ये रमज़ान की असल तैयारी नहीं है। रमज़ान की असल तैयारी क्या है, हमें रमज़ान से क्या सीखना है, हमें रमज़ान में क्या करना है ताकि बाद में आने वाले 11 महीने हमारे ईमान और तकवा के साथ गुजरें। अभी जो आपने आयात सुनी जिसमें ये जो रोज़ों का हुक्म हम सबको दिया गया है, ये तकवा के हुसूल के लिए दिया गया है। हम सब रोज़ा रखें ताकि हमें तकवा हासिल हो, और यही तकवा यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचना और अल्लाह की रज़ामंदी में नेक काम करना, यही तकवा हमें आखरत में काम आएगा। और 11 महीने जो बाद हम रमज़ान के गुजारेंगे उसमें काम आएगा। हम सब जो इस दुनिया में आए हैं, हम सब अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाएंगे। एक दिन आएगा जिस दिन हम सब ने उठना है और हम सब के नामायामाल के एतबार से हमारा फ़ैसला किया जाएगा। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। और कामयाबी का एक ही रास्ता है और वो तकवा का रास्ता है। तकवा की तारीफ़ मैंने आपको अभी बताई कि अल्लाह की नाफरमानी से बचाना खुद को और अल्लाह की रज़ा पाने के लिए नेक काम करना। हमें इस रास्ते पर चलने के लिए हर मुमकिन तरीका इख्तियार करना होगा और इस रास्ते पर इस्तकामत भी इख्तियार करनी होगी। मौत हम सबसे बहुत करीब है। असल में मैं ये चाह रही थी कि रमज़ान की तैयारी में हम सब सबसे जो पहली तैयारी है वो ये कर लें कि अपनी मौत को याद रखें जो हमारे बहुत करीब है। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है इब्ने आदम और ये है इसकी मौत।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक अपनी गुद्दी पर रखा और अपने दोनों हाथ फैला दिए और फरमाया कि इंसान की आरजुएं वहां तक फैली हुई हैं। इससे बुखारी ने रिवायत किया है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुद्दी पर हाथ रखा था, ये इस बात की अलामत है कि मौत हमारे बहुत करीब है। और जो ये दोनों हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैला दिए, ये इंसानों की ख्वाहिशात करार दी गई कि इतनी बड़ी वो इसकी ख्वाहिशात हैं, हालांकि मौत उसके बहुत करीब है। ये रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकतों और रहमतों का महीना है, जिसके बारे में इंशाल्लाह अभी हम कुछ अहादीस देखेंगे कि ये महीना हम सब के लिए कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हम सबको अता किया। और अभी भी हम में से किसी को नहीं पता कि कौन रमज़ान गुजारेगा कौन नहीं गुजारेगा, लेकिन हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें इसकी सआदत एक बार और नसीब करेगा। तो अपने ईमान का और अपने आमाल का मुहासबा करना है और इसी की ही ज़रूरत है, क्योंकि ये महीना बहुत खूबसूरत है और इसमें हम सब के लिए बेशुमार बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। हदीस में आता है, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में आता है जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और बड़े बड़े शैतानों को जकड़ दिया जाता है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे नेकी का रास्ता आसान कर दिया जाता है और मुश्किल गुनाहों के लिए कर दी जाती है, गुनाह का रास्ता मुश्किल कर दिया जाता है, तो ये कितना खूबसूरत माहौल बना दिया अल्लाह ताला ने कि अब आप अगर नेकी की सोच रखते हैं तो नेकी करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा ले तो गुनाह करना मुश्किल कर देगा। और हम सब के लिए अमल के एतबार से दो आजमाइशें हैं, एक हमारा अपना नफ्स और दूसरा शैतान। तो आधी आजमाइश ख़त्म, शैतान बंद है, जो हर बार हमें वसवसे डाल डाल के अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाता रहता है वो बंद है। तो एक माहौल बेहतर बना दिया गया, नेकियों के लिए राहें हमवार की गईं। सहीहुल जामे की रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा एक ढाल है। आपने ढाल देखी? ढाल कभी देखी? कहाँ काम आती है? जंग में काम आती है। रोज़ा एक ढाल है जिसके ज़रिए से बंदा जहन्नुम की आग से बचता है, यानी ये जहन्नुम से बचाने के लिए ढाल बन जाएगा। ये रोज़ा इतनी खूबसूरत इबादत है। एक और हदीस में आता है कि जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल दूर कर देता है, यानी 70 साल की मुसाफत तक उसको दूर कर दिया जाता है जहन्नुम से। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। फिर खासुल खास एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए बनाया गया है। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और उसका एक दरवाज़ा जिसका नाम रैयान है, और उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। इस हदीस को बुखारी ने भी रिवायत किया है और मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। ये सारी हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के कानों से गुजरती रही होंगी। सिर्फ इसको एक मरतबा दोहराना मकसद ये है कि मैं और आप अनकरीब किस खूबसूरत महीने में कदम रखने वाले हैं, इस बात का अंदाज़ा हम सबको हो जाए, ताकि फिर जो मैं बात करना चाहती हूँ आपसे कि हमें अपने अमल में कौन कौन सी तब्दीलियाँ लानी है, तो हम उसके लिए तैयार हो जाएं, हम उस तब्दीली को लेने के लिए तैयार हो जाएं। फिर कल क़यामत के दिन रोज़ा और क़ुरान बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को दिन के वक्त खाने पीने से और जिंसी ख्वाहिश से रोक दिया था, बस इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसको रात के वक्त सोने से रोक दिया, बस इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनाचा इन दोनों की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। इसे सहीहुल जामे ने रिवायत किया है। इससे पता चलता है कि उस शख्स को बख्श दिया जाएगा। सिफारिश दोनों की, कुरान की और रोज़ा की, कबूल कर ली जाएगी।
सही बुखारी की रिवायत में आता है कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं जिनसे वो खुश हो जाता है। एक वो जब वो रोज़ा खोलता है तो खुश होता है, और दूसरी खुशी जब वो अपने रब से मिलेगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। एक और बहुत प्यारी हदीस जो बुखारी की रिवायत में आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार की मुंह की बदली हुई बू अल्लाह के हाँ कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। जब आप कुछ खाते पीते नहीं हैं तो मुंह के अंदर फ्रेशनेस नहीं रहती, सांसें तरोताज़ा नहीं रहती जो खाने पीने से पानी पीने से रहती हैं, तो अल्लाह ताला को वो हालत भी बहुत ही पसंद है। आप देखें ऐसी कदरदानी कौन करेगा। फिर बुखारी की रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। तो जो भी रोज़ा रखेगा इंशाल्लाह, उसको ये नहीं बताया गया कि उसको क्या जजा मिलेगी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि ये मेरे लिए है और मैं इसकी बेहतरीन जजा अता करूँगा। अब इतनी फजीलतें हैं इस रमज़ान अल मुबारक की। रमज़ान की बस यूँ समझ लीजिए कि आमद ही है। एक और मौका इंशाल्लाह हम सबको मिलने वाला है कि जिसमें हम अल्लाह की रहमत से मुस्तफीद होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला के दिए हुए ये बड़े ख़ास लम्हे, ये दीनी एतबार से हर मुसलमान के लिए बड़े ख़ास लम्हे। इन लम्हों की कदर करनी है, इन लम्हों को बहुत अच्छे से गुजारना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गफलत में पड़े रह जाएं और ये रमज़ान आए और चले जाए, क्योंकि इसको गिनती के थोड़े दिन ही कहा गया है, गिने चुने दिन ही कहा गया है। और इस बात का अंदाज़ा हम सबको ही होता है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है हम सब उसको गिन गिन के गुजार रहे होते हैं कि आज इतने रोज़े हो गए, और ऐसा लगता है कि अभी रमज़ान शुरू हुई और ख़त्म होने के करीब आ गई। बुखारी की रिवायत में आता है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, तो उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जितने भी नामे आमाल में थे। और ये इतनी बड़ी नेमत है कि जो इसको महसूस करे, नामे आमाल की सफाई। अल्लाह ताला यहाँ पर हमारा नामे आमाल साफ करने के लिए हमें ये महीना दे रहे हैं। हम किन चीज़ों में अपना वक्त लगा रहे हैं, हम किन चीज़ों के एतबार से रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम क्या क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं। असल तैयारी तो अपने गुनाहों के धोने की तैयारी है कि हम इस तरीके से रमज़ान गुजारें कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर दे कि जिनको वो माफ़ कर देगा। ज़रूरी है कि ईमान और सवाब की नीयत से रोज़े रखे जाएं। जो रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने हम सबको दिया है, इसकी कई हिकमतें हैं। देखिए, जब आप रोज़े से होते हैं, ये बहुत अजीम और शान इबादत है, लम्हा लम्हा आपका इबादत में गुजर रहा होता है। जब हम रोज़े से होते हैं तो आप देखिए हमारे अंदर खुद ब खुद हमदर्दी का, खैरख्वाही का एक जज्बा पैदा होता है। ऐसा लगता है कि अंदर की दुनिया ही बदल गई। रोज़ा रखे हुए होते हैं, ऐसा लगता है अंदर की दुनिया बदल गई है। दूसरों के लिए भी अच्छी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों का एहसास दिल में पैदा होता है, जो भूखे प्यासे और रहते हैं, जिनके घरों में इतनी खाने पीने के एतबार से वसत नहीं है, उन सब के लिए दिल में एहसास जागने लगता है। और ये रोज़ा जो है, ये मैं और आप अल्लाह के सिवा किसी और के लिए इतनी देर भूखा रह सकते? तन्हाई में भी मौका मिले खाने पीने का तो शायद हम में से कोई भी सोचे भी ना। यहाँ तक कि हम ख़वातीन का तो ज़्यादातर काम ये भी होता है कि हम रमज़ान में घर वालों के लिए खाने पीने की तैयारी भी कर रहे होते हैं, जिसमें हम सहर भी तैयार कर रहे होते हैं और इफ्तार भी तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई हाथ बढ़ा के मुंह में कुछ नहीं डालता। कैसा अल्लाह पर ईमान है, और कैसे अल्लाह ताला के लिए हम ये भूखा रहते हैं, और अल्लाह ताला आप सोचें कैसी कदरदानी करेगा फिर इस चीज़ की। और फिर ये कि ये एक इज्तमाई इबादत है, इकट्ठे सभी रोज़ा रख रहे होते हैं,
नफिल रोजे में आप देखें कभी किसी ने रोजा रखा है, कभी किसी ने रखा है, जैसे अल्लाह ने उसको तौफीक दी। लेकिन रमजान मुबारक में जो इकट्ठे सारे लोग रोजा रख रहे होते हैं घर के, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं लगता आपको कि रमजान के रोजे आसान है बनिस्बत दीगर नफली रोजों के? इसकी वजह है, एक तो शैतान बंद है, माहौल ही ऐसा बना दिया अल्लाह ताला ने। दूसरा, ये इज्तमाई इबादत है। क्या सीखने को मिलता है इससे कि इज्तमाईत में अगर कोई काम किया जाए तो वो आसान होता है, उसमें बरकत होती है। फिर ये रोजा हमें अखलाकी तौर पर सब्र का दर्स देता है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत इबादत हम सबको दी। बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिस्मानी, ईमानी, रूहानी बड़े फायदे मिलते हैं रोजे से। नफ्स पर कंट्रोल आता है इंसान को, बहुत सारी जब वो हलाल चीज़ों से रुक जाता है तो उसके लिए हराम चीज़ों से रुकना आसान हो जाता है, इस उम्मीद पर कि अल्लाह हमें इसकी जजा देगा, आखरत का अकीदा भी मजबूत होता है। अल्लाह ताला की सच्ची मार्फत, सच्ची फरमाबरदारी नसीब होती है। इतनी खूबसूरत ये इबादत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितने रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको भूख प्यास के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होता? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको इनके रोज़े से सिवाय प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और कितने ही शब बेदार हैं जिनको इनकी शब बेदारी से सिवाय शब बेदारी और बेख्वाबी के कुछ हासिल नहीं होता। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है, यानी रोज़ा तो रखे हुए हैं लेकिन रोज़े का अजर नहीं मिल रहा। अल्लाह हमें ऐसे बदनसीब लोगों में शामिल होने से बचाए कि जो नेक अमल कर रहा है लेकिन अजर व सवाब से महरूम है, उसको कोई अजर नहीं मिल रहा, ना अखलाक की और ना किरदार की बुलंदियां हासिल की और ना दूसरे फ़ायदे हासिल किए। यानी रोज़ा रमज़ान गुजर गया लेकिन उसके अमल में कोई तब्दीली नहीं आई, तो अल्लाह ताला को उस शख्स के भूखे और प्यासे रहने के कोई ज़रूरत नहीं है। तो रमज़ानुल मुबारक में बहुत से काम हैं जो आप अल्हम्दुलिल्लाह करते रहे और करते भी रहेंगे। मसलन आप नमाज़ों को अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, आप सदका खैरात करते हैं, आप सहरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इस्तग़फ़ार करते होंगे। ये सारी बातें बहुत आप दोहरा भी चुके होंगे, चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र करते होंगे, अपनी नवाफिल की ज़िंदगी को और बढ़ा रहे होंगे जिसमें इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, तहज्जुद है। तहज्जुद की शक्ल तरावी भी है, अगर आप तरावी पढ़ चुके हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह क़याम कर चुके हैं, और अगर आप तरावी नहीं पढ़े हैं तो आप तहज्जुद पढ़ के क़याम कर लें, रात का क़याम। इसी तरह से खिदमत खल्क करना, इफ्तार करवाना, सहरी करवाना, घरों के जो काम हैं ये भी इबादत हैं। आप और मैं ये क्यों सोचते हैं कि हम रमज़ान मुबारक में कोई काम ही नहीं करेंगे? घरों की जिम्मेदारियों को निभाना भी इबादत है, हम सब ख़वातीन की जिम्मेदारी है। आप अगर रोज़मर्रा के जैसे काम करते हैं, अगर आप वैसे ही काम करें जो करते हैं, तो पहले से इन सब चीज़ों की तैयारी करने की तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से सारे कामों को करने की वजह से ओवरबर्डन हो जाते हैं। रमज़ान शहरु ताम नहीं है, खाने पीने का महीना नहीं है, ये सियाम और क़याम का महीना है। इसमें तो खाना पीना वैसे भी कंट्रोल करना है ताकि इबादतों पर फोकस रह सकें, लेकिन जब हम ज़्यादा खाते पीते हैं तो हमारी इबादतें कमज़ोर पड़ जाती हैं। ज़रूरी कामों के लिए बाहर जाएं, क्योंकि एक स्पेशल महीना चल रहा है, ख़ास लम्हात चल रहे हैं, तो हमें अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगाना है। इसकी कोशिश करें, इसकी इंशाल्लाह ताला हम सब कोशिश करें। फिर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों में किसी न किसी से काम करवाते होंगे, उनका भी काम हल्का करें, उनको भी मोटिवेट करें जो घर में काम करने आती हैं। कोई भी अगर ऐसा है घराना कि जिसमें या तो ख़वातीन ख़ुद काम करती हैं या फिर किसी न किसी को
काम करने के लिए बुलाती हैं तो उन काम करने वालों के लिए भी आसानी करें, ताकि वो रोज़े रख सकें, इस बात का एहसास करें कि वो भी रोज़े से हैं। और थोड़ा अपनी जान पर बोझ लेकर उनके हिस्से का काम खुद कर लें। इससे हमें एहसास होता है कि गर्मी में काम करना साथ रोज़े की हालत में तो कैसा लगता है। असल में हम अगर किसी को पैसे दे देते हैं ना किसी काम के करने के, तो हम समझते हैं कि हमने उस इंसान को खरीद लिया और हम अपने अखलाक को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। अपने मातहतों के साथ एहसान करना, ये रमज़ान मुबारक हमें सिखाता है, ये हमें करना है। और क्या ये एहसान रमज़ान तक रहना चाहिए? फिर इसको हम आगे 11 महीने में भी जो तरबियत हम लेंगे रमज़ान में, वो 11 महीने भी काम आएगी। और अगर कोई बहुत मजबूर है, काम खुद नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं तभी वो किसी ना किसी को अपने कामों के लिए रख रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह आपके लिए आसानी करे, अल्लाह आपको तमाम अपने घर के कामों में भी आसानी करे, आपने मेरे लिए इतनी आसानी की, तो दुआए खैर करें और रमज़ान की बरकत से इंशाल्लाह उसके लिए आसानी होगी।